हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता दी। ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स का ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ब्रांच अकाउंट में सेकंड मेथड जो कि इंडिपेंडेंट ब्रांच वाली है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, आज उसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐड करके नया हम सब स्टार्ट करेंगे। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच हमें कब करना है? जब आपको सब में क्लियरली ट्रायल बैलेंस शीट दिया हो, और ट्रायल बैलेंस शीट के सबसे लास्ट में आपको एडजस्टमेंट के बाद ऐसा कहा हो कि ब्रांच की बुक में आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो जब आपको ट्रायल बैलेंस शीट दे दिया हो और आपको ब्रांच की बुक में अकाउंट्स मेंटेन करने हो, तो ब्रांच की बुक में फाइनल अकाउंट का मतलब होगा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एज वेल एज हेड ऑफिस अकाउंट। और साथ ही साथ आज के समय हम एक और अकाउंट उसमें जोड़ देंगे जो कि है हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट, यानी दोनों हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहली बार प्रीवियस मेथड से ये मेथड अलग कैसे हुआ? ये ब्रांच इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, किसी भी चीज के लिए वहां पे हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ब्रांच अपना अकाउंट खुद मेंटेन कर रहा है। चलो पहला ये एक ऐसा सम एग्जांपल नंबर 28 पेज नंबर 225 पे आपको जॉइंट होना है और मैं अमाउंट वहां से रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर 225 एग्जांपल नंबर 28। चलो क्या लिखा है वहां पे? कमल ट्रेडर्स ऑफ कोलकाता हैज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एट मुंबई। ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ 31/12/2010 इज एज फॉलोस। वे आपको एक कमल कलम कंपनी लिमिटेड है जिसकी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच मुंबई में है। क्लियरली मेंशन है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ना लिखा हो तो भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि नीचे देखो वो ट्रायल बैलेंस शीट है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो बैलेंस में जब ट्रायल बैलेंस शीट हो ना आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच सब है पता चल जाएगा। पीछे आपको एडजस्टमेंट दिए, चार एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद दो चीजें प्रिपेयर करने को बोला है। फर्स्ट चीज है फाइनल अकाउंट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2010, ब्रांच की बुक में फाइनल अकाउंट्स। सेकंड आंसर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट अबव फाइनल अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, यानी हेड ऑफिस की बुक में जर्नल एंट्री के साथ साथ ब्रांच का अकाउंट बनाओ। तो ये अकाउंट आज हमारे लिए एक्स्ट्रा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है। चलो तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांच का समूह शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत ऑलवेज एडजस्टमेंट से की जाती है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस शीट है उस पे जाएंगे। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको ये फाइनल अकाउंट्स के सारे रूल्स पता होने चाहिए, कौन सी चीजें कहां-कहां राइट डाउन होती है उसका फिक्स प्लेसेस है। पहला एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक ऑफ द ब्रांच ऑन 31/12/2010 वाज 16,000। स्टॉक दिया है 31/12 का, यानी कौन सा स्टॉक हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते कहां हो? क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स दो जगह, पहला आप कभी नहीं भूलते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज अभी के लिए 16,000। दूसरा एंट्री ऑलवेज भूल जाते हो, वो आता है असेट साइड, वो अपना करंट असेट है, ये लिखा हमने क्लोजिंग स्टॉक 16,000। चलो ये हो गया स्टॉक का फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड एडजस्टमेंट से हमारा मेन ये सब स्टार्ट होगा। सेकंड एडजस्टमेंट, द ब्रांच फर्नीचर अकाउंट इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, डेप्रिसिएशन इज 1000 वाज टू बी रिटर्न ऑफ। भाई फर्नीचर का अकाउंट, ब्रांच का जो फर्नीचर है वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस, और डेप्रिसिएशन उन्होंने 1000 रिटर्न ऑफ चार्ज किया है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलो अब दो पार्टी है, हम यहाँ पे ब्रांच के हिसाब से और एचओ के हिसाब से एंट्री करेंगे। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, बुक्स ऑफ ब्रांच, चलो ब्रांच की बुक में क्या एंट्री होगी? प्रीवियस दो सम हमने की है, फर्नीचर अकाउंट मेंटेन एचओ कर रहा है, ब्रांच सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है कहां चार्ज हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। ये किसकी बुक में एंट्री हुई? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 1000।
ठीक है, तो ब्रांच के एंट्री करेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, पीएनएल टू हेड ऑफिस। चलो सेकंड, इन द बुक्स ऑफ एचओ इसकी ही एंट्री होगी। एचओ इसकी क्या एंट्री करेगा? चलो हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के लिए ये फर्नीचर किसका है? ब्रांच का है, राइट। तो उनकी बुक में एंट्री इस तरीके से होगी कि ब्रांच अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? ब्रांच अकाउंट। नॉर्मली फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है, और टू ये आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000 1000। तो ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्लियर। चलो जैसे एंट्री हो गई तब उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी? सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखूं? सामने वाले अकाउंट का नाम, दैट इज एचओ अकाउंट, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन वैल्यू रुपीज 1000। सेकेंड एंट्री एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड, ये बनाया एचओ अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 1000। नेक्स्ट वन, अब एचओ की बुक में भी हमें इसकी एंट्री करनी है। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट है, है कौन सी साइड लिखना है आपको? डेबिट साइड, ये लिखा डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू रुपीज 1000, इस तरीके से, क्लियर। चलो आगे बढ़े, देखो जो एंट्री किया उस हिसाब से पोस्टिंग किया। एडजस्टमेंट नंबर 3, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच 10000 ऑन 25/12/2010 व्हिच वाज रिसीव्ड बाय ब्रांच 5/1/2011। ये 5/1 यानी जनवरी में रिसीव हुआ, ईयर एंडिंग हो जाता है 31/12 को, यानी एचओ ने गुड सेंड किए, ब्रांच को मिले नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बोला जाता है गुड्स इन प्रोसेस। जब सब में ऐसे कोई पॉइंट आएंगे, मुझे यहाँ पे एंट्री लिख के उसकी पोस्टिंग करनी रहती है, तो जो भी एडजस्टमेंट की मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा आप ये एंट्री राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। चलो तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है दोनों पार्टी की बुक में। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या नाम है? गुड्स इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट एचओ की बुक में क्या एंट्री होगी? एचओ ने गुड्स भेज दिए, राइट। तो एचओ के लिए ये क्या हो जाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी, राइट। कितने के गुड्स भेजे हैं एचओ ने? वही गुड्स उन्होंने भेजे हैं 10000 के, तो यहाँ एंट्री आ गई 10000 के हिसाब से। अब देखना इन द बुक्स ऑफ ब्रांच इसकी क्या एंट्री होगी। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, भाई ब्रांच की बुक में इसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं, देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। क्यों ऐसा? गुड्स तो एचओ ने भेजे, ब्रांच को तो अभी मिले ही नहीं। ब्रांच अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वही गुड्स दिखाएगा जो उसको रिसीव्ड होता है, राइट। एचओ इसकी एंट्री कर लेगा पर ब्रांच ऐसे गुड्स की कोई एंट्री करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हेड ऑफिस की बुक में ये एक एंट्री है उसकी हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर ये अकाउंट ना मांगा हो तो ऐसे एडजस्टमेंट की कोई एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच में नहीं होने वाली थी। चलो एचओ अकाउंट कौन सी साइड लिखूं? ब्रांच में, ब्रांच में क्रेडिट साइड क्या लिखूं? बाय गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट वैल्यू रुपीज 10000, इस तरीके से, क्लियर। चलो अब लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखा है ऑन 31/12/2010 ब्रांच सेंड कैश 4000 टू एचओ व्हिच वाज रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 2/1/2011। अब ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेज रहा है पर हेड ऑफिस को अभी तक वो कैश मिला नहीं है, तो इसमें भी अलग फंडा। तो यहाँ पे है गुड्स की जगह पे एडजस्टमेंट नंबर 4 के लिए मैं अगेन रफ कर रहा हूँ कैश इन ट्रांजिट। अब कैश इन ट्रांजिट हो तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस देयर इज नो एंट्री। क्यों ऐसा? क्योंकि हेड ऑफिस को तो कैश मिला ही नहीं है, पर जब ब्रांच ये कैश भेज देगा तो ब्रांच अपनी बुक में डेफिनेटली इसकी एंट्री करेगा, और वो इसकी ये एंट्री करेगा कि कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। वो एचओ के अब खाते में कितनी वैल्यू डाल देगा? कितनी? 4000, क्लियर। आगे हम ये एंट्री कर चुके हैं,
अब इसका पोस्टिंग कहाँ होगा? कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट इज जस्ट लाइक अवर असेट, तो डेबिट जहां पे है वो यहाँ पे आएगा, कैश इन ट्रांजिट वैल्यू रुपीज 4000। दूसरा एंट्री जाएगा यहाँ पे एचओ अकाउंट में, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखना है? कैश इन ट्रांजिट वैल्यू रुपीज 4000। क्लियर? चलो ये हो गया हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब सीधी सी बात है, सीधा ट्रायल बैलेंस शीट पे पहुंचो। ट्रायल बैलेंस शीट में जो जो चीजें पकड़ पकड़ के यहाँ पे सामने डालते हैं। चलो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट की मैं डेबिट साइड लेने जा रहा हूँ। डेबिट साइड सबसे पहले मुझे लिखा डेटा, डेटा कहाँ आएगा भाई? फाइनल अकाउंट में से वो आएगा बैलेंस शीट में। ये लिखा हमने डेटा वैल्यू रुपीज 20,000। देन उसके बाद हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल, वो भी यहीं पे आएगा पीआर। चलो बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू 10,000, वो भी यहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें वहां पे दिख रहा है परचेस। परचेस की स्पेशल जगह ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये आ गया परचेस। इनर कॉलम देखते हैं ताकि रिटर्न हो तो उसमें से माइनस कर सके, 60,000। फिर उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, गुड्स सेंड बोलते हैं उसको, वो भी इनर कॉलम। चलो गुड्स सेंड वैल्यू रुपीज 20,000, उसमें से भी रिटर्न हो तो माइनस कर सकते हैं, अभी हमने इसीलिए आगे लिखा। चलो फिर उसके बाद है रेंट, टैक्सेस, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं पीछे वो सारे के सारे खर्चे हैं। खर्चे कहाँ डालोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। चलो लिख दे, सबसे पहला मुझे लिखा रेंट 7,000, देन उसके बाद टैक्सेस 3,000, देन उसके बाद सैलरी, उसमें भी पॉइंट हो सकता है आउटस्टैंडिंग का, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है स्टेशनरी, स्टेशनरी का है 4,000, देन उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो इंश्योरेंस प्रीमियम भी डाल देते हैं 2,000। तो सारे खर्चे हमने लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है? वो वन काइंड ऑफ असेट है, वो तो यहाँ पे आएगा बैंक बैलेंस। चलो बैंक बैलेंस है 6,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग इज जस्ट लाइक अवर फिक्स असेट, यस वो फिक्स असेट बिल्डिंग, उस पे भी कोई पॉइंट हो सकता है पर अभी तो नहीं है तो मैं उसको बाहर लिख रहा हूँ 20,000। देन मुझे लिखा स्टॉक, ब्रैकेट में डेट 1110 का मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की स्पेशल जगह ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज 12,000। तो ये हो गया डेबिट ट्रांजेक्शन की कहीं ना कहीं डेबिट इफेक्ट। अब हमारे पास है कुछ क्रेडिट बैलेंस, उसके भी इफेक्ट कर लेते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले है एचओ अकाउंट। एचओ अकाउंट पहुंच जाएंगे, कौन सा साइड होगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू रुपीज 40,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन क्रेडिटर, क्रेडिटर स्पेशली बैलेंस शीट में आएगा, ये लिखा हमने क्रेडिटर वैल्यू रुपीज 10,000। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल, वो भी यहीं पे। बिल्स पेबल की वैल्यू है हमारे पास 8,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स। चलो सेल्स का तो पॉइंट यहीं पे आएगा, सेल्स कितना है वैल्यू रुपीज 1,20,000। अच्छा कोई रिटर्न नहीं है तो मैं इसको सीधा बाहर लिख रहा हूँ, होना होता तो अभी रिटर्न आ चुका होता। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट कहाँ डालेंगे? सीधी सी बात है वो जाएगा पीएनएल क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट इनकम 1,800 है सॉरी। चलो नेक्स्ट वन कमीशन, कमीशन भी इनकम कंसिडर करेंगे हाँ क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। चलो कमीशन वैल्यू रुपीज 200 इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे सारे बैलेंस की एंट्री। अब हमें जैसा आगे करते थे वैसा ही करना है, जिसमें रिटर्न नहीं आया उसको मैं सीधा बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिटर्न था ही नहीं। अब अकाउंट जैसा हम आगे बंद करते थे वैसे ही बंद करना है, सिर्फ आपको नया वाला ये अकाउंट मैं सिखा रहा हूँ, ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका टोटल करने जा रहे हैं। चलो टोटल करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग का आंसर आएगा आपके पास, क्रेडिट साइड का ज्यादा है ट्रेडिंग में 1,36,000। तो 1,36,000 यहाँ पे रखे, 136 यहाँ पे रखे, मिसिंग वैल्यू दैट इज अवर जीपी। चलो जीपी का आंसर हमारे पास आएगा 44,000। और 44,000 यहाँ पे रखेंगे जीपी, यस, और जीपी को ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल आएगा 46,000 यहाँ पे आएगा। और जो यहाँ पे मिसिंग होगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा?
एचओ अकाउंट में लेके जाएंगे उसको, ठीक है। नेट प्रॉफिट आंसर आएगा आपके पास 13,000 इसका टोटल आएगा, और 13,000 आप जाएंगे सीधे एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट और वैल्यू रुपीज 13,000। चलो फिर उसके बाद एचओ अकाउंट में तो सिर्फ क्रेडिट साइड का टोटल ही करना है, क्रेडिट साइड का टोटल आप करोगे आंसर आएगा 58,000। 58,000 को यहाँ पे रखने के बाद 58 मिसिंग में भी होगा, और वो कहाँ जाएगा, वो होगा एचओ का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो सीधा जाएगा अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पे एचओ अकाउंट 58,000। अब अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच हो जाए तो समझो आपका सम करेक्ट, तो यहाँ पे टोटल 76,000 आएगा बोथ द साइड, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, नॉर्मल सम में इतना आता है, पर ये वाले सम में हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया है, एचओ के बुक में ब्रांच अकाउंट बनाया, राइट। तो अब हमें यहाँ पे एक और एंट्री करनी है जो हमने यहाँ पे नहीं किया था। चलो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में एक चीज जो मुझे पहले लिख देनी चाहिए थी वो है ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जैसे हेड ऑफिस का अकाउंट ब्रांच की बुक में, ब्रांच की बुक में एचओ का बैलेंस है 40,000, तो वही हमें यहाँ पे एचओ ने जो ब्रांच को दिए होंगे 40,000 स्टार्टिंग में बैलेंस, वो यहाँ पे हमें इनर कॉलम लिखने हैं। सीधी सी बात है, हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को 40,000 दे रहा है, तो हमने हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट करके यहाँ ब्रांच की बुक में लिखा था, तो यहाँ पे हेड ऑफिस भी ऐसा करेगा कि उसने जो ब्रांच को स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया है वो सारी चीजें वो यहाँ पे लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। उसने क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस 40,000, फिर उसमें दो चीजें आपको प्लस कर देनी है, दैट इज कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट, दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। हेड ऑफिस यही समझेगा कि ये ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, कैश इन ट्रांजिट हमारे पास था 4,000 और गुड्स इन ट्रांजिट हमारे पास कहीं ना कहीं यस वैल्यू हमें अंदर से भी मिल जाएगी 10,000, तो टोटल हमारे पास इतना बैलेंस था, तो टोटल 54,000 यहाँ पे जाएगा। अब मेन कॉन्सेप्ट, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, ये दोनों एडजस्टमेंट पढ़ के आए थे। अब आपको हेड ऑफिस के बुक में करना क्या है, जो अकाउंट ब्रांच ने मेंटेन किए ना वही उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे ब्रांच में शो करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी इनकम इनकम होगी ब्रांच की वो यहाँ पे डेबिट साइड शो कर देनी है। इनकम आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, सबसे पहले इनकम आपको ट्रेडिंग साइड में ये क्रेडिट साइड मिलेगी, फिर उसके बाद पीएनएल में भी क्रेडिट साइड मिलेगी, और बाकी क्रेडिट बैलेंस आपको मिल जाएंगे लायबिलिटी के। तो ये जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड है वो आपको कहाँ शो करना है, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ, सबसे पहले ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन देखो, ये लिखा ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखेंगे वहां पे, टू ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक प्लस सेल। चलो स्टॉक और सेल कितना है आपके पास, टोटल 1,36,000, तो ये लिखा मैंने 1,36,000। फिर उसके बाद टू पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट साइड हमारे पास क्या होगी, इनकम क्रेडिट साइड जीपी को छोड़ के बाकी की इनकम कितनी आपके पास, 1,800, 1,800 and 200, टोटल 2,000, तो ये लिखा मैंने 2,000। ऐसे ही आपको लायबिलिटी भी लिखनी है, क्या करके, टू सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी में इसको छोड़ के ये दोनों ऐड करेंगे तो आएगा 18,000 आई थी, राइट। तो ये आपका हो गया सन्ड्री लायबिलिटी भी। हमने क्या किया, जो भी क्रेडिट क्रेडिट साइड थी ऑफ ब्रांच वो हमने एचओ अकाउंट डेबिट साइड डाल दिया। सेम वर्क हमें एक्सपेंडिचर के लिए भी करना है, तो एक्सपेंडिचर के लिए शुरुआत ट्रेडिंग से करें, तो देखो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिख रहा हूं मैं, बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंडिचर, स्टॉक एंड एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, जीपी को छोड़ के बाकी की तीनों वैल्यू को प्लस करो और वो यहाँ पर बैलेंस जाएगा। अगर तीनों को प्लस करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 92,000। फिर से एक बार, जीपी को नहीं देना है, बाकी के खर्चे कितने किए वो ट्रेडिंग से मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट करके एक्सपेंसेस करके लिख दिया। सेम ऐसा ही हमें पीएनएल के लिए करना है, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस,
कितने एक्सपेंसेस किए हैं नेट प्रॉफिट को छोड़ के, बाकी के सारे एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पे प्लस करके ले लेने हैं, ठीक है। चलो तो उसका टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 33,000। एंड एट द लास्ट एक ही बाकी बच रहा है, वो है हमारा क्रेडिट बैलेंस में सन्ड्री लायबिलिटी। तो सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री असेट्स ले लेते हैं, लायबिलिटी ऑलरेडी आ चुका है डेबिट साइड। अब ये कितना है तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे पूरा असेट साइड भरा पड़ा है, तो सारी की सारी असेट है टोटल 76,000। तो ये साइड इनकम, इस साइड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर को ऐसे शो करोगे, लास्ट में ब्रांच का अकाउंट अगर टैली हो जाए तो समझो आपने जो काम किया है वो सही है। तो ब्रांच अकाउंट लास्ट में टैली होगा, वैल्यू ₹2,11,000। आप टोटल चेक कर सकते हो कि यही टोटल आपको मिल जाएगा बोथ द साइड, कितना टोटल आया है 2,11,000। तो नया क्या सीखा, ब्रांच की बुक में फाइनल अकाउंट तो थे पर अब हेड ऑफिस की बुक में भी एक ब्रांच अकाउंट एक्स्ट्रा से मिलेगा। बोर्ड पे जितना है उतना आपको ये सब मार्क्स दिलाएगा, साथ में 200 होमवर्क में भी करने हैं 37 and 46। चलिए तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का वन लास्ट सम, एक और सम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 30। सेम टू सेम जो वर्क हमने प्रीवियस सम में किया था वही इस वाले सम में करना है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम है कैसे पता चलेगा, पेज नंबर 227 निकालो, एग्जांपल नंबर 30 को देखो। लिखा हुआ है ऊपर रॉयल ट्रेडर्स ऑफ डाको हैज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एट थसरा, यानी कि एक कंपनी की दूसरी ब्रांच कोई दूसरी जगह पे है और वो भी क्लियरली मेंशन है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच में आगे उन्होंने ये भी कहा है, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2008। भाई क्लियरली मेंशन है कि ट्रायल बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है और आपको दिख भी रहा है डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस एंड रुपीज, तो पूरा एक ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस शीट आपके सामने रेडी। फिर उसके बाद आपको पांच अलग अलग एडजस्टमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आंसर। फ्रॉम द अबाउट डिटेल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट, यानी उन्होंने सिर्फ ये अकाउंट मांगे है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच फाइनल अकाउंट्स एंड एचओ का अकाउंट, पर हम आज एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच का भी अकाउंट। तो शुरुआत वाले कहां से करते हैं हम, एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2010 वैल्यू ₹2,50,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। चलो अब आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे लास्ट में ये लिखा क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000, एज वेल एज बैलेंस शीट में सबसे लास्ट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 पे जाए, सेकेंड एडजस्टमेंट ऑन 22/3/2008 हेड ऑफिस सेंट गुड्स वर्थ ₹40,000 टू द ब्रांच व्हिच वाज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑन 5/4/2010। अब देखो ट्रांजैक्शन हमें ये कह रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेज दिया पर वो अभी तक ब्रांच को मिला नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। अब एचओ ने भेज दिया है तो एचओ की बुक में इसकी एंट्री होगी 101% एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी एचओ की बुक में, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, किसको भेज दिया उसने, ब्रांच को भेज दिए तो टू ब्रांच अकाउंट। चलो ये एंट्री होगी पर ब्रांच की बुक में इसकी एंट्री क्या होगी, तो भाई इन द बुक्स ऑफ ब्रांच देयर इज नो एंट्री। क्यों, क्योंकि ब्रांच को तो गुड्स मिला ही नहीं है, राइट। चलो आगे समझ चुके हैं, तो इसकी एक जगह पे एंट्री हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच अकाउंट हमने मेंटेन किया है, कौन से साइड लिखोगे इसको, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड लिखोगे, क्या लिखोगे तो के गुड्स इन ट्रांजिट। चलो वैल्यू रुपीस, इसका वैल्यू है 40,000, क्लियर। चलो जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो इसका भी अभी से पता चलना चाहिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जब भी लिखेंगे तो इसमें गुड्स इन ट्रांजिट का प्लस कर सकते हो, राइट right? ये भी हमने प्रीवियस सम में देखा हुआ है। तो ये 40,000 की डेबिट क्रेडिट एंट्री यहीं पे हो जाएगी ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस के रूप में। चलो आगे बढ़े, एडजस्टमेंट नंबर 3 को देखो, ऑन 30/28/3/2008 ब्रांच हैड सेंड कैश 35,600 टू द हेड ऑफिस व्हिच वाज रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 3/4/2010। अब ये हो रहा है कि
ब्रांच ने कैश हेड ऑफिस को भेज दिया पर हेड ऑफिस को वो बैलेंस शीट तारीख तक नहीं मिला। एडजस्टमेंट नंबर 3, वो हमें एडजस्टमेंट कह रहा है, इसको बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट, अभी रास्ते में है कैश। अब इसके एंट्री दोनों की बुक में के हिसाब से, सबसे पहले अगर आप देखने जाओ एचओ की बुक में, देयर इज नो एंट्री। रीजन, क्योंकि हेड ऑफिस को तो वो मिला ही नहीं है, सो हेड ऑफिस इसकी एंट्री नहीं करेगा। पर ब्रांच, ब्रांच इसकी एंट्री 101% करेगा। और क्या एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, कैश इन ट्रांजिट की एंट्री होगी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, राइट, ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अब कैश इन ट्रांजिट का हम वैल्यू कहाँ डाले ब्रांच में, कैश इन ट्रांजिट की डेबिट यानी कि बैलेंस शीट में, जैसे आपका कैश होता है, तो ये हो गया कैश इन ट्रांजिट, वैल्यू रुपीज है 35,600। नेक्स्ट उसका एंट्री का पोस्टिंग, वो आएगा एचओ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कैश इन ट्रांजिट, वैल्यू रुपीज 35,600। और एक जगह पे हेड ऑफिस के रूप में जहाँ पे ब्रांच है, ओपनिंग बैलेंस में कैश इन ट्रांजिट भी प्लस कर देंगे, भले एंट्री ना हो पर ओपनिंग बैलेंस में ये प्लस हो जाएगा, ये बाय रूल है, क्लियर। तो इसके एंट्री देखो कहाँ कहाँ हुई, किस तरीके से हमने एंट्री किया। वन लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4, उसके बाद एक और है, ऑन 1/7/2007 हेड ऑफिस सेंड फर्नीचर वर्थ 42,000 टू द ब्रांच ऑन द अकाउंट व्हिच इज मेंटेन बुक्स ऑफ एचओ, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन द सेल। भाई क्लियरली जैसे फर्नीचर का पॉइंट होता है वैसे ही दिया हुआ है, पर्टिकुलर उसका ओपनिंग बैलेंस है और फर्नीचर का अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रही है, तो हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन कर रही है उसका कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पे उसका डेप्रिसिएशन दोनों की बुक में कैसे काउंट होगा, कैसे एंट्री होगी, वो मुझे आपको सिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे जरा कर रहा हूँ, ये जो मैं एंट्री का पोस्टिंग हमें कर लिया है उसको मैं रफ कर दूँ और वहीं पे मैं आपको डेप्रिसिएशन दोनों की बुक में एंट्री सिखा रहा हूँ। चले इन द बुक्स ऑफ एचओ और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, एडजस्टमेंट नंबर ये है हमारे लिए 4 नंबर, राइट, और एंट्री हम करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। दोनों की बुक में अलग अलग एंट्रीज होगी, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हेड ऑफिस ये एंट्री करेगा, फर्नीचर किसका भाई ब्रांच का, तो हेड ऑफिस के बुक में डेप्रिसिएशन के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सेम ब्रांच इसकी एंट्री ये करेगा, नॉर्मली कोई भी असेट पे डेप्रिसिएशन होता है वो पीएनएल में ही जाता है, सो यहां पे ब्रांच की बुक में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, सामने वाली पार्टी का नाम, यहां पे भी सामने वाली पार्टी का नाम और अगेंस्ट दी डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें ढूंढनी है, चलो डेप्रिसिएशन का यहां पे वैल्यू किस तरीके से आएगा, 42,000 टोटल डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, मतलब कि हमारी फर्नीचर की वैल्यू है, उस पे डेप्रिसिएशन का रेट उन्होंने कितने परसेंट बोला है 10%, पर टाइम पीरियड है वहां पे, फर्नीचर 1/7 को इंट्रोड्यूस हुआ है, 1/7 से लेके ईयर एंडिंग तक जाना होगा, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल 9 महीने का यहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर आप काउंट करने जाओगे तो 12 में से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन और उसका वैल्यू हमारे पास आएगा 3150, राइट। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का पॉइंट और जो हमने एंट्री किया है उस हिसाब से पोस्टिंग भी कर ले। सबसे पहले हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट जो हमने मेंटेन किया है उस वहां पे डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3150। सेकंड एंट्री, अब ब्रांच की बुक में पीएनएल अकाउंट डेबिट, यहां पे टू एचओ अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 3150 और एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड अगेन पीएनएल अकाउंट और ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 3150। इस तरीके से देखो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो हर समय आते थे हमने कंप्लीट कर लिए, ये वाले समय एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, उसका नाम है अनपेड सैलरी ऑफ 6000 ऑन 31st 2018। अनपेड सैलरी का आप करते क्या हो, नॉर्मली
अनपेड सैलरी हमारे लिए हमें लायबिलिटी है और वो सैलरी में प्लस हो जाता है आउटस्टैंडिंग अनपेड। तो चेक करो ट्रायल बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं आपको सैलरी मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस शीट में सैलरी होगा डेबिट साइड, तो डेबिट बैलेंस में आपको सैलरी कहीं दिख रहा है? यस, वहां पे लिखा हुआ है एक सैलरी करके ब्रैकेट में डेट भी है, वैल्यू रुपीज 66,000। अब उसमें क्या करेंगे, ये अनपेड सैलरी प्लस कर, अनपेड अनपेड प्लस हो जाता है। चलो क्योंकि एडजस्टमेंट का है क्लोजिंग बैलेंस, इसमें प्लस कर दो 6,000, तो यहाँ पे 6,000 प्लस हो जाएंगे। आई थिंक बाहर वैल्यू 72,000। दूसरा एंट्री कहाँ करोगे क्योंकि एडजस्टमेंट भी है, दूसरा एंट्री जाहिर सी बात है अनपेड हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड अनपेड सैलरी वैल्यू रुपीज 6,000। क्लियर, इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस शीट की एंट्री को डेबिट क्रेडिट को क्रेडिट पकड़ पकड़ के वैल्यू डाल रहा है, उसके लिए हमें वापस ट्रायल बैलेंस शीट में आ जाना पड़ेगा। और सबसे पहले लेंथी साइड ले लेते हैं डेबिट साइड, तो डेबिट साइड बहुत सारे बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं हमने बनाए हुए ब्रांच के फाइनल अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक, क्लियरली मेंशन है ओपनिंग स्टॉक, स्पेशल जगह है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक करके लिख रहा हूं 110,000। फिर उसके बाद हमें वहां पे लिखा गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, यानी यहां पे ट्रेडिंग में गुड्स आएगा, गुड्स एंड जो हेड ऑफिस सेंड करती है। चलो कितनी वैल्यू है 3,60,000, बाहर नहीं लिखा क्योंकि रिटर्न आएगा तो इसमें से माइनस करना जरूरी होता है इसलिए। फिर उसके बाद हमें वहां पे दिख रहा है 10% टाटा कैपिटल कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, अगर ये डेबिट साइड है तो इसका मतलब यहां पे इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है पर्टिकुलर, तो डिबेंचर में इन्वेस्ट करना डेबिट बैलेंस है, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारे लिए वो वन काइंड ऑफ असेट है। तो असेट का आप बैलेंस शीट में लिखते हो ना 11% टाटा कंपनी डिबेंचर। चलो यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, अब प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू कौन सी लोगे, वहां पे दो तीन वैल्यू दी गई है, फेस वैल्यू भी है और बाहर का वैल्यू है 2,40,000, तो जाहिर सी बात है 2,40,000 ही लेंगे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। वो 2,50,000 क्यों दिया है, हिडन एडजस्टमेंट, साथ में डेट दी है, उससे आपको पता चलना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में ऑलवेज इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट के पॉइंट के लिए वहां पे आपको ये डेट वगैरह दिया हुआ है और फेस वैल्यू दिया है, तो आप साथ में काउंट कर ही लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो उसके लिए हमारे पास फेस वैल्यू है 2,50,000, हमारे पास रेट है 11% और टाइम पीरियड के लिए हमें जाना पड़ेगा डेट के ऊपर। चलो कौन सी तारीख को ये इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, 1/10/2007 को, तो 1/10 से लेकर 31/3 तक जाओ 10, 11, 12 फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 महीने का डेबिट यहाँ पे इंटरेस्ट अराइज हो रहा है। सो इंटरेस्ट का हमने मंथ काउंट किया, वो 6 महीने का इंटरेस्ट इस तरीके से काउंट होगा, ऑलवेज इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। चलो इंटरेस्ट कितना आ सकता है, तो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा 13,750, ये हम इसमें प्लस करके बाहर रख सकते हैं, बाहर का आंसर आएगा 2,50,3,750। मेन पॉइंट, ये जो हमने अपने आप किया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पीएनएल में क्रेडिट साइड हमारी इनकम, तो ये लिखा हुआ है पीएनएल क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू रुपीज 13,750 इस तरीके से। चलो नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद वहां पे गुड्स परचेस है, परचेस गुड्स तो सीधी सी बात है ट्रेडिंग में, ये लिख रहा है परचेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड वैल्यू रुपीज 4,70,000, बाहर इसलिए नहीं लिखा ताकि रिटर्न आए तो माइनस कर सके। देखो अब आ रहा है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की स्पेशल जगह सेल्स में से उसको माइनस करते हैं, तो रिटर्न यहां से माइनस कर रहा हूं मैं ट्रेडिंग में 32,000। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद हमें दिख रहा है 510 ऑक्ट्रॉय खर्चे हैं, नॉर्मली पीएनएल में आते हैं पर ये तो ट्रेडिंग का खर्चा है, ऑक्ट्रॉय ट्रेडिंग का खर्चा वैल्यू रुपीज यस दिया हुआ है 18,000। एक और है सैलरी हमने ऑलरेडी लिख दिया, वेजेस भी यहीं पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस का खर्चा है 36,000 वो भी लिख दिया। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है बैड डेट, बैड डेट वो तो पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल में लिख रहा हूं बैड डेट वैल्यू रुपीज 1,20,000 नहीं 4,000 है उसका वैल्यू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, बैड डेट के बाद हमें वहां पे दिया हुआ है डेटर, दैट
मींस वो तो हमारे लिए असेट हुई, असेट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो ये लिखा असेट साइड डेटर 1,20,000। देन उसके बाद डेबिट साइड सबसे लास्ट में दिया है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस भी यहीं पे आएगा, राइट। चलो कैश वैल्यू रुपीज 1,14,000। तो ये हो गया सबसे लेंथी डेबिट साइड, वहां पे ओवर। अब क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस दिए हुए हैं, उसके भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस शीट पे से पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स रिटर्न टू एचओ, जब गुड्स साइड हुआ था तो हमने यहाँ पे डेबिट लिखा था, अब उसमें से रिटर्न कर दिया तो माइनस कर दे, इसीलिए हमने इनर कॉलम में लिखा था, यहाँ पे 36,000 माइनस हो जाएंगे, क्लियर। चलो आगे हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो इसकी दो जगह पे ब्रांच की बुक में जो एचओ अकाउंट है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एचओ का क्रेडिट बैलेंस 4,70,000, सेम यही बैलेंस हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच अकाउंट करके 4,70,000 जो आगे हमने ऑलरेडी लिखे हुए थे टू बैलेंस बीडी करके, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह पे दोनों की बुक में एंट्रीज की हो गई। फिर उसके बाद है सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि नॉर्मल हमारे लिए सेल्स, चलो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में 8,80,000। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो वहां पर परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस कर दें, यस परचेज रिटर्न है हमारे पास 22,000। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड इनकम होती है, इनकम तो जाएगी पीएनएल में, बैड डेट रिकवर्ड वैल्यू रुपीज 18,000। देन उसके बाद जो दो बैलेंस है वो दोनों हमारे लिए लायबिलिटी है, नाम है क्रेडिटर एज वेल एज बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी 18,000 64,000। और देखते ही देखते सारे सम की जो भी एंट्री हमें करना था सब कुछ एंट्री ट्रायल बैलेंस शीट की राइट डाउन कर लिया। अब पारी है अकाउंट बंद करने की, और अकाउंट बंद करना कहां से स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, पहले फाइनल अकाउंट बंद कर देंगे ब्रांच के। चलो उसका टोटल में कुछ वैल्यूज बाहर रखना बाकी है, यहाँ पे बाहर वैल्यू आएगी 8,48,000, चलो लिख देते हैं। फिर उसके बाद परचेज की बाहर की वैल्यू 4,48,000, एंड देन इसको रिटर्न माइनस करने के बाद गुड साइड का बाहर का वैल्यू कितना आएगा 3,24,000। और अब अगर हम टोटल करने जाएंगे एज इट इज, देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा ही होगा, चलो वो टोटल अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आया है 10,98,000। और 10,98,000 यहाँ पे रखने के बाद हमारे पास मिसिंग वैल्यू आएगी, दैट इज फॉर जीपी ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट का आंसर आएगा यहाँ पे 1,62,000। और जीपी का कैरी फॉरवर्ड करेंगे पीएनएल में, चलो जीपी पीएनएल में गया 1,62,000, उसमें इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको ये पीएनएल का क्रेडिट साइड का टोटल मिल जाएगा, और पीएनएल क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आएगा 193,750। अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ मिसिंग आएगा जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका एचओ अकाउंट में, और एचओ अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट का आंसर आपके पास आएगा 1,14,600। और दूसरा एंट्री एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,14,600। चलो अब एचओ अकाउंट भी बंद कर सकते हैं, 101% एचओ अकाउंट का टोटल आएगा 623,350, और यही वैल्यू मिसिंग 623,350। और ये क्या होगा, ये होगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, एचओ का क्लोजिंग बैलेंस जो कि सीधा जाएगा आपकी बैलेंस शीट पे 623,350 टू एचओ अकाउंट। अब अगर बैलेंस शीट के ये टोटल मैच हो जाए तो समझो सम करेक्ट, और मैच हो ही जाएगा विदाउट एनी डाउट 7,73,350, ये टोटल बैलेंस शीट की बोथ साइड अराइज होगा, और ये एक ही बुक में अकाउंट बंद हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, पर हमने आज एक्स्ट्रा अकाउंट सीखना स्टार्ट किया है एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट, अभी वो अकाउंट बंद करना बाकी है, तो उसके लिए आपको मैं लेके जा रहा हूँ प्रीवियस समिंग के कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार। अब जब ब्रांच अकाउंट यहाँ पे एचओ की बुक में बनाया है तो
उसमें डेबिट साइड सारे इनकम और क्रेडिट साइड सारे खर्चे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच में से हमें कॉपी करना है। सबसे पहले इनकम साइड ले लेते हैं, तो इनकम हमें दिखानी है यहाँ पर डेबिट साइड। पहले इसका टोटल कर दे, ये 470 में ये दोनों जोड़ोगे तो आपका टोटल आएगा 545,600, ये टोटल यहाँ पे अराइज होगा। और फिर उसके बाद सारे इनकम को यहाँ पे दिखा दिए, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट और टू सन्ड्री लायबिलिटी। सारे इनकम इनकम साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे स्टॉक एज वेल एज सेल, पीएनएल के सारी इनकम और सन्ड्री लायबिलिटी। चलो तो किस तरीके से टोटल होगा, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड दो इनकम आपको दिख रही है, इंट्राडे टोटल टेक ओवर कर सकते हैं। हाँ, इनकम में ट्रेडिंग अकाउंट की 10,96,098। चलो फिर उसके बाद पीएनएल, पीएनएल इनकम साइड देखने जाओगे तो जीपी के अलावा ये दोनों लेना है आपको, जीपी नहीं लेना है, पीएनएल की ये दोनों प्योर इनकम है, बैड डेट रिकवरी एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो पीएनएल का इनकम आएगा 31,750, सिर्फ ये दोनों मैंने जो टिक मार्क किए वो। और इसी तरीके से सन्ड्री लायबिलिटी, लायबिलिटी में देखो एचओ अकाउंट के अलावा ये तीन लायबिलिटी आपके पास है, तो इन दोनों को, सॉरी, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगी सन्ड्री लायबिलिटी इनकम के लिए, और वो आएगा आपके पास 1,50,000। तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो चुका है, पर अभी हम दूसरी साइड लिखना बाकी है। अब एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग, पीएनएल एंड सन्ड्री असेट का यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में उसके एक्सपेंडिचर, सेम उसके जैसे पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंडिचर एंड एट द लास्ट बाय सन्ड्री असेट। चलो उसके लिए हमें यहाँ पे वापस जो हमने अकाउंट्स बनाए इन द बुक्स ऑफ ब्रांच वहां पे जाना पड़ेगा। अब अगर ट्रेडिंग के सारे खर्चे चाहिए आपको, स्टॉक एज वेल एज एक्सपेंडिचर, परचेज एंड एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए देखो आपको ये डेबिट साइड नोटिस करना पड़ेगा, सिर्फ जीपी के अलावा बाकी सब कुछ आपको टेक ओवर करना है, यानी ये सभी का टोटल सिवाय जीपी, तो वो आपको मिल जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रेडिंग और वो आपके पास आएगा 9,36,000। शॉर्टकट तरीका, ये जो टोटल है उसमें से जीपी माइनस कर दो तो ये टोटल आपको आराम से मिल जाएगा। सेम ऐसे ही काम हम पीएनएल में करेंगे, पीएनएल के खर्चे अगर हमें देखने हो तो ये नेट प्रॉफिट के अलावा तीन है, उन तीनों को प्लस करो आपके पास इसका आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 79,150, ठीक है। एंड एट द लास्ट, सबसे लास्ट में ये आएगा सन्ड्री असेट, और सन्ड्री असेट में तो सभी असेट यहाँ पे टेक ओवर करना है, तो सिर्फ असेट साइड का टोटल लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा 7,73,350। अब अगर इनके दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो समझो कि आपका सम टोटल ही करेक्ट है, और ये टोटल मैच होगा वैल्यू रुपीज 18,28,500, बोथ साइड ये टोटल आएगा, समझ रहे। तो ये आपका मेथड एकदम इजी है, सिर्फ आपको दोनों पार्टी के बुक में अकाउंट मैक्सिमम इतना सम ये सम में हो सकता है, जो काम हमने यहाँ पे बोर्ड पे ये वाले समय और प्रीवियस समय किया है इंडिपेंडेंट ब्रांच में, इससे एक्स्ट्रा कोई पॉइंट है ही नहीं। होमवर्क में दो दो समय उसको आप ट्राई करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। तो ये हमारा ब्रांच का, इंडिपेंडेंट ब्रांच का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में किसी और चैप्टर में सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।